सभी को जय हिंद जय भारत, देशभक्ति जनसेवा। दोस्तों आज मैं आपको जो इंडियन आर्मी मेडिकल होता है उसके बारे में बात करने वाला हूँ आपके साथ, कि क्यों इतने लोगों को बाहर कर दिया जाता है, इमेज दे दिया जाता है, ये दे दिया जाता है। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि आज कॉम्पिटिशन का युग चल रहा है, कहीं बहुत कम पद होते हैं और उसके कहीं गुना बच्चे एग्जाम देने आते हैं और उसमें से उनको छटनी करनी रहती है, एक रैली रहती है। तो ऐसी स्थिति में आपको बाहर कर दिया जाता है, तो अब क्यों बाहर कर दिया जाता है और उससे हम लोग कैसे निजात पा सकते हैं, उस चीज़ से हम कैसे आगे निकल सकते हैं। तो दोस्तों आप कहीं लोगों के मेडिकल फेल होकर जो आते हैं आप उनसे संपर्क करें, और उसके अलावा मैं जो आपको बता रहा हूँ जो छोटी मोटी आपकी जो सिस्टम होते हैं, जैसे आपकी कोई उंगली तिरछी है, कोई टूटी हुई है, कहीं आपका हड्डी टूटा हुआ है या कान में मैल है, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनकी वजह से भी आपको हल्की हल्की जो प्रॉब्लम होती है उनसे भी बाहर कर देते हैं। बोले मेरे तो सर कान में मैल था इसलिए मेरे को बाहर कर दिया। तो ये चीज़ें इसलिए आपको कि जब आपको बता दिया गया है कि आप ये सब चीज़ करके जाएं, क्योंकि वहाँ बिल्कुल आप बड़ी बड़ी सेविंग बना के चले गए, पूरा बाल बड़े बना लिए और आप जाके वहाँ बोल रहे हैं कि सर मेडिकल दे रहे हैं, तो सामने दिख जाएगा यार ये बोले इंडियन आर्मी में जा रहा है क्या है। तो सामने वाले बच्चे को कहीं ना कहीं कान है, ये है, वो है, वो देखते हैं फिर कि यार बोला ये तो निचड़ है, भले आपने 100 का फिजिकल दे दिया है, पास कर लिया है या उधर 88 का मार दिया, उनको वो मायने नहीं रखता, क्योंकि उनको भीड़ कम करना रहता है, कॉम्पिटिशन जो उनको पद है उतने लेने रहते हैं। तो ऐसी स्थिति से जो आपको सामने दिखाई देती है, तो जब आप कम से कम तैयारी करके जाए, यदि आपको कोई चोट हो, कोई टूट फूट हो, तो आप ना जाए क्योंकि बिल्कुल अलाव नहीं है। यदि किसी प्रकार का आपका कान का पर्दा फटा हुआ है, आँख आपकी 6x6 की नहीं है, नाक आपकी टूटी हुई हो, नाक की हड्डी टूटी हुई हो, पांचों उंगलियां आपकी काम नहीं करती हो, ट्रिगर उंगलियां आपकी काम नहीं करती हो, तो ऐसी स्थिति में आपको मेडिकल से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपके हाथ एकदम तंदुरुस्त होने चाहिए, शरीर का जो चेस्ट वगैरह, चेस्ट की बनावट एकदम सही साठ होनी चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ना शोल्डर ऊपर नीचे होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें उसमें दिखाई वो चेक करते हैं। उसके अलावा जैसे नीचे चले गए, आपको किसी प्रकार का कोई गंभीर चोट नहीं होनी चाहिए, पैर बिल्कुल एकदम सही होने चाहिए, नौकनी नहीं होना चाहिए, उसमें फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, एक उसमें वेरियोकस नस होती है वो बाहर जो पीछे निकली हुई नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार की अगर यदि समस्या होती है आपको, तो आपको कहीं ना कहीं इसका सामना करना पड़ता है, असफलता का सामना करना पड़ता है। तो क्यों ना दोस्त हम इस चीज़ में, अगर ये समस्या है तो हम इसकी बजाय कोई दूसरी नौकरी की तैयारी करें, क्योंकि मैं मानता हूँ इंडियन आर्मी का जुनून सबको होता है, लेकिन आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कम से कम वो तैयारी नहीं करें और दूसरी तैयारी करें। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग वहाँ उस स्तर पर पहुँच जाते हैं और मैं आप खुद पता है आपको कि कितनी मेहनत करने के बाद आदमी 100 में से 100 फिजिकल मारता है, 88 का फिजिकल मारता है और उसके बाद उसको मेडिकल में बाहर कर दिया जाता है, तो बड़ा दुख होता है। तो वो दुख अब कम होगा, थोड़ा बुरा लगेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप किसी प्रकार की समस्या हो तो उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करना है और कोई दूसरा लक्ष्य आपको चुनना है, नहीं तो आप निश्चित तौर पर उधर बाहर हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, जैसे कान में आपके मैल है, कुछ फोड़े फुंसी हो रहे हैं, या फिर जैसे कोई छोटी मोटी अपन ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं जिससे अपना तो छोटी मोटी चोटें आ जाती है, तो इन चीज़ों से आपको बचना है और जब भी मेडिकल करने जाए तो प्रिपेयर करके जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपने देखा होगा, तो हर आदमी बताता है, आप सीखने की कोशिश नहीं करते, और इस वीडियो से आप सीखने की कोशिश करें। सभी को जय हिंद जय भारत, देशभक्ति जनसेवा।